इराक में ईरान के सबसे ताकतवर कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के बाद भी अमेरिका ने अपने ऑपरेशन नहीं रोके हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन्स ने शुक्रवार देर रात उत्तरी बगदाद में शिया विद्रोही संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के काफिले पर हमला कर दिया। इसमें कम से कम 6 की मौत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बगदाद के पूर्व में स्थित ताजी शहर में लोगों ने बम धमाकों की आवाजें भी सुनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार देर रात ईरानी जनरल के खिलाफ कार्यवाही पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि जनरल कासिम को मारने का फैसला दोनों देशों के बीच संभावित युद्ध रोकने के लिए लिया गया, ना कि शुरू करने के लिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना के अचूक हमले से दुनिया के नंबर वन आतंकी जनरल सुलेमानी की मौत हो गई है। इसके साथ ही क्षेत्र में आतंक का राज खत्म हो गया। ट्रंप ने आगे कहा कि कासिम सुलेमानी अमेरिकी राजनयिकों और सैन्य कर्मियों पर घातक हमलों की साजिश रच रहा था, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया और मार गिराया। सुलेमानी की मौत से मध्य पश्चिम एशियाई देशों के बीच अब वर्चस्व की नई जंग शुरू होगी, असर दिखाने लगा है। अमेरिका ने खाड़ी देशों में मौजूद सैन्य बसों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इराक में 5,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 750 को दो दिन पहले ही भेजा था, अब 3,000 सैनिक और भेजे जा रहे हैं। बगदाद एयरपोर्ट से सभी हवाई यात्राएं बंद हो गई हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।